सामंजस्य के आधार पर इस फैसले को लिया गया है। शर्मा ने ये भी कहा कि शिक्षा कर्मियों को सरकार से अपेक्षा है कि संविलियन के मामले पर सरकार विचार करेगी, साथ ही जो अन्य मांगे हैं उन पर सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। वहीं इसका दूसरा कारण राजनीतिक भी है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 दिसंबर को शिक्षा कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने खुद शिक्षा कर्मियों के प्रदर्शन स्थल पर जाकर उनकी मांगों के संबंध में ये घोषणा की थी। बैकफुट में सरकार आई है, रात में नियमों को बलाए ताक में रखकर उन्हें रिहा करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो सरकार कितना झुक गई, कितना डर गई है, ये तो कांग्रेस के आंदोलन के चलते हुआ, ये तो उनसे बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। वही तो हम कह रहे हैं, तो उनसे दबाव पूर्वक इस प्रकार से करवाया गया कि क्या हुआ ये उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि कांग्रेस शिक्षा कर्मियों की हितैषी बन पाती, सरकार आंदोलन पूर्ण रूप से खत्म करने में कामयाब रही। कांग्रेस ने शिक्षा कर्मियों से नजदीकी बढ़ाकर सरकार के खिलाफ आगामी चुनाव में माहौल खड़ा करना चाहती थी, लेकिन आंदोलन की समाप्ति से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। वो जिस मुद्दे को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ बंद करवाना चाहती थी, सरकार ने वो मसला ही खत्म कर दिया। बीजेपी ने शिक्षा कर्मियों की हड़ताल रात तक खत्म कराने की पूरी कोशिश की ताकि कांग्रेस का आंदोलन कुचला जा सके और एक प्रकार से संदेश दिया जाए कि शिक्षा कर्मी कांग्रेस के साथ नहीं हैं। तमाम गतिरोधों के बावजूद भी शिक्षा कर्मी बीजेपी सरकार पर विश्वास करते हैं, क्योंकि शिक्षा कर्मी आंदोलन के कारण रमन सरकार की आम जनता के बीच काफी किरकिरी हो रही थी। शिक्षा कर्मी नेता वीरेंद्र दुबे ने सोशल साइट्स पर फैल रही उन बातों को भी अफवाह करा दिया, जिसमें ये बताया गया कि शिक्षा कर्मी आंदोलन कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किए जाने के कारण दबाव में खत्म हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से आने वाला समय बच्चों की परीक्षाओं का समय था, सरकार ने हमेशा उनकी अनुभूति पूर्वक विचार कर उसका समाधान करने की कोशिश की है और सरकार ने इस बात को पहले से कि अगले 2-3 महीने में आपकी मांगों के ऊपर में विचार कर कमेटी बनाकर उनके समाधान की हमारी तरफ से सरकार की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक पूरी कोशिश होगी और इस बात को शिक्षा कर्मियों ने मानकर बच्चों के भविष्य के लिए और अपने भविष्य की दृष्टि से जो निर्णय लिया है उसके लिए शिक्षा कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा कर्मियों के हड़ताल के लौटते ही मुख्यमंत्री रमन सिंह ने न सिर्फ गिरफ्तार शिक्षा कर्मियों की रिहाई के आदेश तत्काल जारी किए, बल्कि शिक्षा कर्मियों की मांग को लेकर 2 अलग अलग कमेटी के गठन करने का आदेश भी दिया। संविलियन को छोड़कर सरकार 2 अलग अलग कमेटी के जरिए शिक्षा कर्मियों की 8 अलग अलग मांगों पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने 7वां वेतनमान, वेतन विसंगति और अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी विवेक ठान की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। वही पंचायत विभाग के ECSRP मंडल और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो भत्ता, शिक्षा कर्मी वर्ग के वेतन व अन्य मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट देगी। ये दोनों रिपोर्ट 3 महीने के भीतर राज्य सरकार को मिलेगी। इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जाएंगी उनके आधार पर शिक्षा कर्मियों के पक्ष में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज़।